गाइस वेलकम वन। तो ये गाइस, कितने लोगों को टीनेज शो अच्छे लगते हैं? शायद बहुत लोग बोलेंगे कि सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इसलिए मुझे अभी नहीं अच्छे लगते। पहले एक वक्त पे जो लाइक स्टोरी दिखाते थे उसको देख के मज़ा आता था। एंड मेरा भी सेम व्यू ही होगा, एक वक्त था जब टीनेज शो आपको अच्छे लगते थे। किसी और कंट्री के लौंडों की स्कूल लाइफ देखनी, वो क्या बवाल करते हैं, उसमें मज़ा तो आता था। एंड उसके बीच में ये कुछ थ्रेड डाल देते थे जिसकी वजह से दुनिया बचाने वाला मामला हो जाता था, एंड 16-17 ईयर्स ओल्ड के बच्चे दुनिया बचाते थे। एंड जब मैं अपने आसपास देखता हूँ अपने महान टीनेजर्स को, तो वो तो कुछ और ही कर रहे हैं। मुझे भी टीनेज शोज़ काफ़ी अच्छे लगते थे, इवन मैं अभी भी देखता हूँ। टीनेज शो हैं ही इतने, लगभग 10 से 8 नेटफ्लिक्स के शो टीनेज शोज ही होते हैं। सिटकॉम्स के बाद में लगता है सबसे ज़्यादा तादाद इनकी है। हर एक साल कुछ नए शो ऐड होते हैं इसमें। एंड आज मैं जिस शो की बात करने जा रहा हूँ वो एक मैक्सिकन शो है, एक मैक्सिकन सीरीज़ है जो मैंने 2020 में देखी थी। 2020 का टाइम वो टाइम था जब सब फ्री थे, मैं भी फ्री था, एंड जो कुछ भी नेटफ्लिक्स पे आता था आप देखने लग जाते थे। टाइम ही टाइम था, अपने पैसे भी नहीं जा रहे थे क्योंकि दोस्त का अकाउंट था। एंड मैंने भी कुछ ऐसे ही कंट्रोल जेड नाम की सीरीज़ को देखा। फर्स्ट सीज़न था, ट्रेंडिंग में चल रही थी इंडिया में, एंड मुझे अच्छी लगी सीरीज़। सीरीज़ की स्टोरी एक मैक्सिको के स्कूल पे बेस होती है, जहाँ पे कुछ टीनेजर जिनमें सबसे ज़्यादा मेन करेक्टर होता है सोफिया, राहुल एंड हाविका, ये तीन करेक्टर स्टोरी में सबसे ज़्यादा मेन होते हैं। यही लगभग सारी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सीज़न में आपको दिखाते हैं मैक्सिको का एक स्कूल है जहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनकी लाइफ में कैसे लगते हैं वो दिखाया गया है। कैसे एक दिन प्रिंसिपल की असेंबली में, वहाँ पे वो कुछ और दिखाने के लिए टीवी ऑन करता है, बट ऑल माई सीक्रेट नाम का एक अकाउंट कुछ और ही दिखा देता है, जिसमें एक ईसाबेला नाम की लड़की होती है जिसकी जो लाइफ होती है उसको पब्लिक के सामने दिखा दिया जाता है, उसकी प्राइवेट लाइफ को, जो कोई बंदा नहीं चाहेगा कि वो किसी और को पता लगे उसके बारे में। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पैनिक फैल जाता है वहाँ पे, एंड और बच्चे भी इसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। बट चीज़ें यहाँ पे नहीं रुकती, इससे कहीं आगे जाती हैं, और लोगों के भी सीक्रेट रिवील होते हैं। इन सब की वजह से एक मर्डर भी होता है, जो वन ऑफ दी सैडेस्ट मोमेंट होती है पूरे शो की। एंड तीनों सीजन में उस मर्डर के कारण इफेक्ट आपको दिखते हैं। यू कैंट बरी योर पास्ट। मेरे हिसाब से फर्स्ट सीज़न काफ़ी अच्छा था, एंड में आपके सामने जो ट्रुथ आता है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था, बट फिर भी आपको देखने के बाद मज़ा ज़रूर आता है। जो सेकंड सीजन होता है वो थोड़ा सा सेम सा ही होता है, जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बट अंत में एक मर्डर होता है जो लाइक उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देता है। और जो थर्ड सीजन होता है, अब उसमें जो ब्लैकमेलिंग हो रही है वो नेक्स्ट लेवल हो चुकी है, एंड एक डेथ के बाद, वैसे तो वो एक एक्सीडेंट था, उसके बाद जो बच्चे वहाँ पे पूरे पैनिक हो जाते हैं एंड वहाँ से एस्केप कर लेते हैं। उनको नहीं पता होता कि बॉडी किसने उठाई है, बट कैसे उनकी लाइफ को ये पूरा डेथ अफेक्ट करती है थ्रू आउट द थर्ड सीज़न, वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आप सोच के देखो कि एक डेथ हुई है और किसी को नहीं पता उसके बारे में, आप वहाँ पे थे, एक हिसाब से आप भी उसके ज़िम्मेदार हो, एंड आप कैसा फील कर रहे होगे, वो आपको फील कराया गया है, जो बहुत ही सही है। ऑल माई सीक्रेट वापस आता है, इस बार मामला डेथ का था, मर्डर का था, तो ब्लैकमेलिंग वो बहुत ही अलग अंदाज में करता है। एंड कैसे अभी एक जाना नहीं, बहुत सारे जाने इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो सबसे सही होता है। सोफिया नाम की लड़की जो सबसे ज़्यादा मेन करेक्टर होता है, वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है, बट इस बार जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं उस जगह पे जहाँ पे लाइक ये सब कुछ हुआ था, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनका ट्रस्ट पास्ट में ब्रेक हो चुका है, इसकी वजह से ट्रस्ट प्रॉब्लम है वहाँ पे। एंड जो इस बार इस मिस्ट्री को और ज़्यादा बढ़िया बना देता है, 7 एपिसोड तक मुझे शो बहुत अच्छा लग रहा था, बट उसके बाद कुछ रिवील होता है जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं, बट जो लास्ट वाला एपिसोड होता है वो टोटली वर्थ इट होता है। इस हिसाब से वो डायरेक्ट किया गया था, वो कमाल का था, मतलब काफ़ी सिचुएशन आपके सामने रखी जा रही हैं, एंड एक सिचुएशन पे जब वो वीडियो प्ले होने वाली होती है तो लाइक वो कितना बढ़िया तरीके सारे सिचुएशंस को
आपके सामने एको वक्त दिखाने की कोशिश होती है, जो मुझे तो बहुत ही सही लगी। अंत में लाइक वो बेसबॉल वाला सीन, जब बेसबॉल कुर्सी पे रखा होता है एंड तीन कुर्सी होती हैं वहाँ पे, एंड वो वीडियो एग्जैक्ट टाइम पे प्ले होनी होती है, एंड जो उस बंदे का गुस्सा होता है वो ऐसा होता है जैसे हिसाब से वो बैट घुमा रहा होता है। मुझे लगा था किसी बच्चे को तो इंजर्ड करेगा या फिर मार ही डालेगा, बट वैसा कुछ नहीं होता। एंड इवन जो एक आधा वो मारता भी है तो वो काफ़ी फेक लगता है मुझे, बट फिर भी ठीक ठाक होता है। अंत में आपको जब पता लगेगा कि ब्लैकमेलिंग से कैसे आप और बच्चों से कैसे कैसे काम करा सकते हो, वो सही में एक नेक्स्ट लेवल मूवमेंट होती है। वहाँ पे अंत में जो पता लगता है वो इतना कोई खास नहीं होता। उसके बाद जो डेथ हुई थी सेकंड सीजन के एंड में, उसको सारे मिलके एक्सेप्ट करते हैं एंड उसके बाद उसकी भरपाई भी करते हैं, उसके लिए सॉरी भी मांगते हैं। वो पास से भाग नहीं सकते थे, वो उन्होंने एक्सेप्ट की चीज़। एंड उसके बाद एक और मोमेंट आई, उसके बाद एक कैफ़े में दो दोस्त बैठे हैं जो स्कूल के ख़त्म होने के काफ़ी वक्त बाद मिल रहे हैं, एंड जो उनकी वहाँ पे कन्वर्सेशन होती है वो आपको एक और डाउट में डाल देती है, एंड क्या अगला सीज़न आ सकता है। मेरे हिसाब से अगर आपको टीन एज शो अभी भी पसंद है तो आप इसको एक ट्राई ज़रूर दे सकते हो, बाकी सब आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अनदर परस्पेक्टिव के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वन में गाइस, बी होपफुल, कीप डूइंग व्हाट यू लव।